अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स। दिस इज़ आवर फाइनल लुक ऑफ राजू। आपने राजू को मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं आपको उसका आफ्टर दिखा रही हूँ। दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर ऑफ राजू। और यहाँ पर आमना ज़रा राजू की ज़िबा होने पर बहुत ज़्यादा सैड थी और उसका मूड इतना ख़राब हुआ हुआ था। और यहाँ पर कड़ी होकर मुझसे राजू की बातें कर रही थी कि मैंने उसको देखना था, प्यार करना था। अच्छा, बकरा ईद वो ईद है जिसकी तैयारियाँ जो है ना वो एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है। कुर्बानी की तैयारियाँ, गोश्त कैसे देना है, कैसे करना है, कहाँ काटना है, कैसे करना है। तो हमारे घर भी वो तैयारियाँ ना एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। और मज़े की बात, इस ईद का दिन इतना कोई लंबा दिन होता है ना कि मतलब जा के भी वो ख़त्म नहीं होता। जब भी टाइम देखती थी 8, 9, 10, 11 से टाइम तो आगे जाते ही नहीं ना। और इस ईद पर इतनी कोई थकावट हो जाती है ना, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के कुर्बानी करवाना और वो गोश्त बांटना वो सारा बड़ा मुश्किल और हैक्टिक हो जाता है। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं सबसे पहले उठ के आमना ज़रा को जो है ना हमेशा हर ईद पर ना सबसे पहले रेडी कर देती होती हूँ। फिर उसके बाद जो ना वो ईजी हो जाता है कि आमना तैयार हो गया ना, बस सारे काम खत्म हो गए हैं। लेकिन इस दफ़ा तो मेरे पास दो आमना थी, मैंने एक आमना को तैयार किया, दूसरी भी मेरे पास। मैंने कहा चलो जी, अब तो मेरी डबल ड्यूटियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आमना को नहलाया, फिर उसके बाद छोटे काके को नहलाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये आमना ज़रा की पहली ईद है और इतनी कोई एक्टिव और इतना हैप्पी बच्चा हुआ था ना सुबह का, और खुश हो रही थी कि आज मेरी पहली ईद है। मुझे लग रहा था कि इसको भी वाइब्स आ रही हैं कि यार मेरी पहली ईद है और मैंने इस ईद पर हैप्पी हैप्पी रहना, ज़्यादा तंग नहीं करना है ना। इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर ना रील्स देख रही थी, इतनी मज़े मज़े की कमाल की ट्रांजेक्शन आई हुई थी ईद वाले दिन की। पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं यार, ट्रस्ट मी कसमें ईद वाले दिन कोई कभी ट्रांजेक्शन नहीं बन सकती। जब मैं कभी ट्राई करती हूँ ना ट्रांजेक्शन बनाने की, मैं खप जाती हूँ। मैं तो आमना की वीडियोज़ के लिए और उसके इंस्टाग्राम के लिए उसकी ट्रांजेक्शन बना लूँ, ये बड़ा काम है। लेकिन मैंने हमेशा ईद पर तैयार ज़रूर होती हूँ। ये नहीं होता कि मैंने अगर किचन में काम कर लिए, खाने बना लिए और मैं तैयार होना छोड़ दूँ, चाहे एक घंटे के लिए हूँ, दो घंटे के लिए हूँ, फटाफट तैयार होकर फुटमें शुटमें बना के तो फिर साइड पर हो जाती हूँ। ईद का मज़े तब है जब आप रेडी होते हैं। और जो लोग कहते हैं ना यार बकरा ईद पर तैयार नहीं हुआ जाता, कोई किचन में काम करने होते हैं तो रेडी होकर क्या करना है, लेकिन कसम से आप तैयार ज़रूर हुआ करें। ईद का मज़े ही ऐसे आता है जब आप तैयार होते हैं। खैर, यहाँ पे दोनों बच्चे तैयार हो चुके थे और आमना जो है ना मोमना के साथ फोटोज बनवा रही थी और दोनों माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। दिस इज मोमना ज़ारास फेस लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ये इस शरारे में इतनी को खूबसूरत लग रही थी ना, मतलब फर्स्ट टाइम इसको मैंने ऐसे देखा था। मतलब वैसे तो ये टाइट्स और पैंट्स और रोम्पर्स में रह रही थी और यहाँ पे इसको इतनी को कमाल की नींद आई हुई थी ना नहाने के बाद। पता है बच्चे बड़े मज़ेदार से सोने की तैयारियों में होते और इतनी मुश्किलों से मैंने इसका शूट किया। हर दो मिनट के बाद तो मैं इसके मुँह में फीडर डालती थी, तब जाके एक वीडियो या एक रील मेरे से बन पाती थी। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता, बकरा ईद हो और सुबह सुबह नाश्ते में कलेजी ना बने, ये तो मस्ट है ना, मस्ट यार। सुबह सुबह कलेजी नाश्ते में बनाना और फिर उससे नाश्ता करके बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बाद में करते हैं, और यहाँ पे कलेजियाँ बन रही और उसके बाद कलेजी में फाइनल टच दिया लेमन और हरी मिर्चों का, और है क्या मज़ेदार किस्म की कलेजी बनी थी। अच्छा, आपको मैंने बताया था ना कि 6 साल के बाद हम बकर के साथ ईद मना रहे हैं, यानी कि 6 साल बाद हमारा भाई जो है वापस आया, तो हम 6 साल बाद हमारी पहली ईद है जो हम उसके साथ मना रहे हैं। और उस दफ़ा उसने कहा था कि सारी कुकिंग तो आप साइड पे हो जाओ, मैंने ही करनी है, तो मैं आपको ना कुछ जर्सी कढ़ाई बना के खिलाऊँगा। तो ये ना यहाँ पर मटन कढ़ाई बना रहा है, पता नहीं जर्सी पेशावरी जर्सी कढ़ाई की क्या था, और इसको इतनी मज़े की कुकिंग आती है ना। आज ईद के दिन तो सारी कुकिंग माशाल्लाह से की इसने थी। मैं कहती हूँ बस लड़कों को एक दफ़ा परदेश भेज दो, इतने ये सुगड़ बन के आ जाते हैं, इनके सारे जो नखरे पाकिस्तान में बहनों के साथ होते हैं ना वो सारे एक साइड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे रह के तो इन्होंने सब काम बहनों से करवाने होते हैं ना, कपड़े इस्त्री करने तक, पानी का गिलास नहीं उठ के पीना, और वहाँ जाके माशाल्लाह से परदेश इनको सब कुछ सिखा देते हैं। तो यहाँ पे इतनी मज़ेदार सी जर्सी कढ़ाई बना रहा था और साथ इसको गर्मी लगी हुई थी और हमें भी वो गर्मी की ना शाबाशी दे रहा था कि यार कमाल है तुम लोग, पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में किचन में खड़े हो जाते हो। तो मैंने कहा भाई ये हमारे ही हौसला है जो हम खड़े हो जाते हैं इतनी गर्मी में, और ये मैडम यहाँ पर ना ईदियाँ शीदियाँ लेके सोई पड़ी है। और ये पता नहीं जर्सी कढ़ाई है और ये थोड़ी सी मतलब ईजी थी, काली मिर्चे नमक और पता नहीं पहले उसने क्या क्या डाला वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आज फ्री थी ना, हम सब फ्री औरतें अंदर बैठी हुई हैं और उसने सारी कुकिंग की माशाल्लाह से। और उसके बाद हमने बैठ के सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया ईद का, साथ हमने पुलाव बनाया था और मज़ेदार सा रायता सैलेड। और बस ये था आज का व्लॉग मेरा। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दें। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।